स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की परासिया से पंडित निशान जी महाराज ने चीज गांव में भागवत कथा का किया वाचन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया से पंडित निशांत जी महाराज ने चीज गांव में भागवत कथा का वाचन किया। बताते कि कन्हई राम पाल परिवार के द्वारा यह आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी और सभी सामाजिक बंधुओं को भागवत कथा में आमंत्रित किया गया है। बता दें कि ग्राम चीज गांव में कन्हई राम पाल परिवार के द्वारा श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम की सुख समृद्धि और परिवार की सुख शांति के लिए श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम नीर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश कथा व्यास भागवत भ्रमर निशांत कृष्ण श्री महाराज ज्योतिष कर्म कांड अनुष्ठान और पूजन विधि ख्याति प्राप्त महाराज के द्वारा किया गया, जिसमें सामाजिक बंधु मुख्य रूप से पिपरिया से पाल समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष पाल, पूर्व जिला कोषाध्यक्ष जगदीश पाल, जिला उपाध्यक्ष मदन पाल पिपरिया, इंटक अध्यक्ष लाल दास, चिंतू पाल, बलकरण पाल, जिला युवा अध्यक्ष पप्पू पाल, रूपेश पाल, शिवकरण विजेंद्र पाल, पूर्व जिला सचिव चैतराम मासाब, अन्य गणमान्य नागरिक ग्रामवासी उपस्थित थे। परासिया से जगदीश पाल की रिपोर्ट। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्त श्रोता समुदाय जो कि चीजगांव ग्राम के छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है, उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कन्हैराम पाल जी के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को, समस्त नगरवासियों को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है, जिसका दर्शन करके समस्त ग्रामवासियों ने इस आयोजन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन में पुण्य लाभ अर्जित किया। हमारे पूज्य पिता श्री परशुराम जी शास्त्री के पूर्व कथा के अंतर्गत समस्त शिष्यों ने इस आयोजन का आनंद उठाया और इस अवसर में हमको भी कथा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। हम परम पूज्य पिताजी जो कि नेर ग्राम से हैं, ज्योतिष कर्मकांड अनुष्ठान एवं पूजन विधि संस्थान नेर छिंदवाड़ा के रहने वाले पूज्य पिताजी, उन्हीं के सुपुत्र के रूप में हम बड़े भाई साहब और हम छोटे, और हमारे साथ में रामकिशोर शास्त्री जी भी आयोजन में सम्मिलित होते हैं, और परम पूज्य पिताजी के ही मार्गदर्शन में चल करके हम धर्म की ध्वजा को लहराने का काम कर रहे हैं, जो कि धर्म पर चल करके हमारे परम पूज्य दादाजी पिताजी और फिर परंपरा से हम इस गादी को संभाल रहे हैं। तो हमारे समस्त जिलों के यजमानगणों के माध्यम से हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत जी का प्रचार करके समस्त जिलेवासियों को आनंद की प्राप्ति और ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाया और आगामी समस्त कथाओं को भी गाँव वाले कराने वाले हैं। आगामी वर्षों में बहुत सारी कथाएँ इस ग्राम में, इस क्षेत्र में होने वाली है, जिसमें समस्त भक्तगण भी शामिल होकर के पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।